बिजली पानी और स्वास्थ्य के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरती दिल्ली की आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर किस तरह के काम करती है, इसकी ताजा नजीर नजफगढ़ की दिल्ली देहात गोपाल नगर स्थित के ब्लॉक से निकलकर सामने आ रही है। गोपाल नगर स्थित K2 ब्लॉक में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। अभी मेरा ये पीछे वाला मकान है, मैं गोपाल नगर में ही रहता हूँ, के ब्लॉक में। तो अभी मैंने ये मकान लिया था। यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है, बुझो मत बात, इससे तो कई गुना हरियाणा में बहुत बेहतर सुविधा है। मेरे को तो आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता। मैंने जिस दिन से कनेक्शन लिया उस दिन से मेरे एक लीटर पानी भी नहीं आया। पानी ये तो यहाँ से सप्लाई का लेते हैं, कभी कोई कैंपर वाला लगवा रखा है उसे लेते हम। स्थानीय लोगों ने बताया कि चार चार सप्ताह से पानी नहीं आ रहा, हम लोग बिस्लरी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि विधायक कैलाश गहलोत के पास हमने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हर साल गर्मी में यही समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। पानी के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी हमारे पानी नहीं आ रहा। पिछली गर्मी में भी ऐसे परेशान रहे, कंप्लेंट करने जाते हैं ऑफिस में, कोई सुनाई नहीं हो रही, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं आता। क्या कहना चाहेगा सरकार से? सरकार से हमारे घर पानी दो, पब्लिक परेशान हो रही है पानी के बिना। कब से नहीं आ रहा पानी? काफी दिन हो गए, कब पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कंप्लेन की गई थी? हाँ सर, ऑफिस में जाते हैं, कंप्लेंट भी करते। ये तस्वीर गोपाल नगर के ब्लॉक की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से मटका लेकर अपना विरोध जता रही हैं। तीन चार हफ्ते से पानी बिल्कुल नहीं आता है, और जब कभी आता भी है तो बहुत ही गंदा पानी, खारा पानी कभी कभी आता है, वो भी आता नहीं है। और दूसरा एक हमारी एक कंप्लेन है कि पानी प्रेशर से बिल्कुल नहीं आता है, प्रेशर से ऊपर नहीं चढ़ता बिल्कुल। तीसरा कंप्लेन ये है कि यहाँ पे जो टूटियाँ है ना, सारी ये खुला छोड़ रखी है,